नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश के आज के मुख्य समाचार पर, उसके बाद हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें। लेकिन ये सब जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आप हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इस ग्रुप पे आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित सारे लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियोस मिल सकते हैं और इसी के साथ हमारे वीडियोस को जरूर आगे शेयर करते रहे। और अब चलिए आइए जान लेते हैं दिन का पहला मुख्य समाचार। पहला समाचार, दिल्ली में कोरोना के 4099 नए केस, मुंबई में 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर से अगला समाचार, श्रीनगर में लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी को ढेर किया गया। जानकारी हो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चार्जशीट दायर की गई। और अब चौथा समाचार, चाइना लद्दाख के पैंगोंग लेक क्षेत्र में बना रहा है पुल, सैटेलाइट इमेज के हुआ खुला। और अब चलिए आइए इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। पहला समाचार, देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली से सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सोमवार को कोरोना के 4099 नए मरीज मिले हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दोनों ही राज्य सरकारों ने पाबंदियों को लगाकर गाइडलाइंस जारी की। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान में आज सोमवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों ने लश्कर के वांटेड कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान खूंखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी सलीम परे के रूप। तीसरा समाचार, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में CGM कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। 5000 पन्नों की इस जम्मू चार्जशीट में केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया गया। बड़ी खबर, गलवान वैली में खूनी संघर्ष के बावजूद चाइना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियों के बीच उकसावे से बड़ी हरकतें करने में बाज नहीं आ रहा। सैटेलाइट इमेज से पता चला कि चाइना लद्दाख के पैंगोंग लेक के अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक पुल का निर्माण कर रहा है। और अब समय आ चुका है नजर डालने का आज की जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या है दिन की पहली बड़ी खबर। आज जम्मू कश्मीर प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के टीनेजर्स को कोरोना रोधी टीका लगाना शुरू हो चुका है। प्रदेश भर में 880 केंद्र स्थापित किए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ करवाया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से दूसरी खबर, वैष्णो देवी यात्रा पर अहम फैसला, अब ऑनलाइन बुकिंग पर ही कर सकेंगे माता के दर्शन। पर्ची सिस्टम बंद हो चुका है, हादसे के बाद श्राइन बोर्ड ने उठाया कदम। तीसरी खबर बताते चले, BSF ने जम्मू संभाग के अन्य सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। जवानों ने एक बार फिर घुसपैठियों को मार गिराने में सफलता पाई। इसी के संबंध में एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर तैनात BSF को सोमवार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हथियारों और मादक पदार्थ हीरोइन को जब्त किया गया। दिन की पांचवी खबर बताते चले, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2 जनवरी को पहली बार 72 व्हीकल्स ने जोजिला पास को पार किया। अगली खबर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं और अलगावादी नेताओं ने एक धड़े ने पाकिस्तान में इंजीनियरिंग और मेडिकल सीटों के लिए संभावित छात्रों को कश्मीर की कुछ परामर्शदात्री फर्मों के जरिए अपने जाल में फंसाया। अगली खबर, श्रीनगर से आपके समक्ष, बादामी बाग कंटोनमेंट काउंसिल ऑफिस श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट के 5 पोस्ट को लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें 3 जनरल कैटेगरी, 1 SC और 1 पद अन्य बैकवर्ड क्लासेस का भरा जाएगा। इसी के साथ जानकारी हो, कश्मीर में अब तक 168 आतंकी ही बचे हैं, अधिकांश सक्रिय आतंकवादी लश्कर ए तैयबा से हैं। और अब आखिरी खबर बताते चले, श्रीनगर में एक स्थानीय आतंकवादी के मारे जाने के बाद हाजिन बांदीपोरा में भीषण संघर्ष देखने को मिला। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें, दिन भर की टॉप 10 हेडलाइंस जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारी वीडियोस को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, जय।